राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि पड़ने जा रहा है, पहला ग्रहण ही मैं मान सकती हूँ जो कि पड़ने जा रहा है होली वाले दिन 25 मार्च को। एकदम सही बात है जो लोग कह रहे हैं कि भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं है। तो हाँ, भारत में ये चंद्र ग्रहण कहीं से भी कहीं तक दिखाई नहीं देगा। जब चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो ये सही बात है कि भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है तभी उसका सूतक मान्य होता है। ये चंद्र ग्रहण अमेरिका में हो गया, ठीक है, अटलांटिका में हो गया, थोड़ा सा ईरान में भी दिखाई देगा, इन जगहों पे दिखाई देगा, लेकिन भारत में कहीं से भी कहीं तक, भारत के किसी भी राज्य में इसका छाया तक भी नहीं दिखाई देने वाली है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे सौर मंडल में चांद केवल एक है। ऐसा तो है नहीं ना कि अमेरिका का चांद अलग हो और भारत का चांद अलग हो, नहीं है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे पड़ता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे पड़ता है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में। तो चंद्र ग्रहण अगर पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है हमारे चंद्र देवता कष्ट में है। 9 ग्रहों में चंद्र देवता भी एक ग्रह है, और जब हमारे देवता कष्ट में होते हैं तो वो सुखद परिणाम पृथ्वी लोक पर नहीं भेजते। क्यों? मैंने बोला ना आपको कि अमेरिका का चांद और भारत का चांद अलग अलग नहीं है, अमेरिका का चांद भी वही है और भारत का चांद भी वही है। माना कि ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा, कोई सूतक पातक लागू नहीं होगा, लड्डू गोपाल की सेम सेवा होगी जैसे आप लोग रोज करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी किसी भी प्रकार की बदला बदली नहीं होगी। लेकिन होली आप जम के खोलो, होली की पूजा करो, होली की अर्चना करो, होली की वंदना करो, एक दूसरे के साथ होली खेलो, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां आपको अवश्य और अवश्य बरतनी है। जब हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं तो वो पृथ्वी लोक पे नेगेटिव वाइब्रेशन डालते हैं। ग्रहण के बाद बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन आती हैं, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे कि सिर में दर्द हो गया, डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गया, ये जो केसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि चंद्रमा रिलेट करता है हमारे माइंड से, हमारे मस्तक से, हमारे दिल से, ठीक है ना। दिल का कारक होता है वो, मन का कारक होता है चंद्रमा, है ना। कहते नहीं कि जब डिप्रेशन में हो तो चांद को देखो, तो वो मन का कारक होता है, मन से ही ये सारी बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन हो गया, किसी के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, एक हफ्ते तक शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव कुछ ऐसा ही रहेगा। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप जो भी कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसको एक डेढ़ हफ्ते के लिए टाल दीजिए। एक डेढ़ हफ्ते तक कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हमारा जो मन है वो अभी स्थिर नहीं रहेगा। कोई भी डिसीजन मन से लिया जाता है, और जब चंद्र ग्रहण हो रहा है तो हमारा मन ही स्थिर नहीं है, तो कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन जो है, जैसे कि प्रॉपर्टी की लेन देन का है, वैसे भी खगमास चल रहा है आप लोग लोगे नहीं, और जैसे कि ब्याना देने का है, गाड़ी इत्यादि देने का है, शादी ब्याह का, जो भी डिसीजन है एक हफ्ते के लिए इसको टाल दीजिए, क्योंकि वो सुखद परिणाम नहीं देने वाला, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और वो कष्ट में है। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जो होली का समय है वही चंद्र ग्रहण का समय है। 4 घंटे का चंद्र ग्रहण है, 10 बजे से आप लगभग 10 बजे से मान लीजिए, 10 से 11, 11 से 12 और 1 और 2, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक चंद्र ग्रहण है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जो उसका पीक टाइम है वो 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम है, मतलब इस टाइम पे वो अपने पीक पर हो, ठीक है ना, वो टाइम है। तो जब भी होली खत्म होगी तो आप लोगों को नहाना तो है, 12, 1 बजे, 2 बजे तक होली ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। पानी में सभी परिवार के सदस्य ये करेंगे कि पानी में कपूर डालकर स्नान करेंगे। पानी में कपूर डाल के स्नान करने से आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाती है। तो पानी में कपूर डाल के स्नान करेंगे, पानी में कपूर डालकर और नींबू डालकर ही आपको घर में पोंछा लगाना है। घर में पोंछा भी आपको तभी लगाना है जब आप कपूर डाल लें और नींबू डाल लें, या फिर घर अगर आप धो रहे हो तो नींबू पे स्विच कर लें और नींबू वाले पानी से आपको अपने घर धोना है। होली खत्म होते के साथ ही जैसे कि होली के गाने चल रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब पर सुंदरकांड चला लें, 1-1.5 घंटा चलते रहने दें, जिससे घर में एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगी। सिर से नहाना है तो नींबू वाले पानी और कपूर से सिर से नहाइए। एक गोबर का कंडा लीजिए, उसमें थोड़े से 1-2 कपूर डालिए और उसकी धुनी पूरे घर में लगा दीजिए। वो धुनी आपको पूरे घर में लगानी है। जो भी कपड़े आपने पहन रखे हैं वो तो आपको वैसे भी दान दून करने हैं, लेकिन एक हफ्ते तक कपड़े दान मत कीजिए। होली के एक हफ्ते तक कपड़े दान नहीं किए जाते, इस बात का ध्यान रखना होता है। वो कपड़े अगर आपको धोने हैं
क्योंकि ग्रहण के बाद कपड़े हमेशा चेंज करे जाते हैं, वो कपड़े अगर आपको धोने हैं तो नींबू वाले पानी से ही आपको धोना है। पूरे घर में गंगा जल और नींबू वाले पानी का छिड़काव आप अवश्य कर ले। माना कि ग्रहण का असर भारत में नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वाइब्रेशंस सौर मंडल से नीचे आ रही हैं। चंद्र ग्रहण हमारे कष्ट में है राहु और केतु के द्वारा, तो चंद्रमा हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सौर मंडल पे डाल रहा है, तो आपको पॉजिटिविटी का खुद का ध्यान रखना है। कुछ उपाय जो है वो बता रही हूँ, इसकी सफेद चीजें दान कीजिए। इसके कुप्रभाव से बचने के लिए होली है, वैसे भी सफेद चीजें दान का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, सूर्यास्त के बाद ये चीजें दान नहीं करती, पहले ही करना। और चंद्र ग्रहण में भी ये चीजें दान नहीं करनी चाहती, जैसे कि 2:30 बजे चंद्र ग्रहण खत्म है तो 3:30-4 बजे ये चीजें दान कीजिए। एक पैकेट दूध दान कर दिया, 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो चीनी दान कर दी, है ना। सफेद चीजें दान कीजिए जितनी ज्यादा हो सकती है, और सुंदरकांड अवश्य चलाइए, और साथ ही के साथ पूरे घर में कपूर वाली धूनी आपको अवश्य और अवश्य देनी है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो घर के अंदर ही होली खेले, घर के बाहर होली खेलने न आ जाए। जैसे गली मोहल्ले में होली मिलन समारोह हो रहा तो गले मिलने वगैरह जाते हैं। ग्रहण समय है, आप अपने पेट पे कृपया करके गेरू लगा के, क्योंकि ग्रहण का जो असर होता है ना वो गर्भवती महिलाओं पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक साथ दो जिंदगी जी रही होती है, दो लाइफ ऐप से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो इतना बस केवल इन बातों का ध्यान रखना है, बाकी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली सेलिब्रेट करो, कोई भी कसर ना छोड़ो, रंगों से अपनी जिंदगी को रंगीन कर दो ताकि आपकी बेरंग जिंदगी में रंग भर आए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।